हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है फ्राइडे एंड आज एक छोटा सा काम आ गया, नहीं काम आया नहीं, एक्चुअली काम करने जा रहे हैं। सो द थिंग इज, दिस इज द लाइफ ऑफ अ कार रिव्यूअर। अगर आप मेरे तरह कार रिव्यू करना चाहते हो एंड आपके अंदर अगर पैशन है या आप एज अ मतलब आपको बहुत इंटरेस्ट है कार रिव्यू करने के लिए, सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू इन द बिगिनिंग। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक स्टेप में कि आपको करना क्या रहता है। सो वेलकम टू माई व्लॉग एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। खाना पीना सब हो गया, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है 12:31 टाइम हो रहा है। अभी मैं निकलूंगा, रेडी होकर मैं अभी निकलूंगा एंड मैं भी आज कहाँ पे जाने वाला हूँ वो मैं आपको व्लॉग में आगे दिखाता हूँ। तो कपड़े वपड़े सब कुछ पहन लिए, अभी निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। उससे पहले थोड़ा हवा खा लेता हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है। सो सोमदीप इज हियर, एएस ऑटो, एके एएस ऑटो। चलो लेट्स गो। सो गाइस, ट्रेन में आया एंड सोमदीप इज हियर, वी ऑल आर गोइंग टू टाटा शोरूम। तो मैं इधर के बोल चीजें, व्हाट इट इज लाइक टू बिकम, हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, नॉट अ यूट्यूबर, कार रिव्यू, कार जर्नलिज्म करता। सो द थिंग इज, नो इट इज नॉट डिफिकल्ट, एक्चुअली यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू गिव टाइम एंड आपको ऐसा कुछ नहीं है कि जर्नलिज्म वगैरह कोर्स वगैरह करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, आपको स्टार्टिंग जो स्टेज रहता है, ऑलराइट, सब दिखाते हैं बाद में जाके कि सो आपको सब मतलब बाद में जाके दिखाते हैं कि कार रिव्यू होता है, ये होता है, गाड़ी चलाते हैं लोग। सो स्टार्टिंग में ऐसा रहता है कि आपको शोरूम्स में जाके उनके साथ बात करना, अप्रोच करना पड़ता है, उनके साथ बात करना पड़ता है। कुछ शोरूम वाले बहुत अच्छे होते हैं, आपको गाड़ी दे देते हैं, इवन आपको टेस्ट ड्राइव के लिए भी दे देंगे गाड़ी। एंड कुछ शोरूम वाले ऐसे होते हैं कि वो आपको गाड़ी नहीं देते, मुंह पे मना कर देते हैं कि नहीं मिलेगा ड्यू टू सब्सक्राइबर्स। ऑब्वियसली एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास मतलब वीडियो नहीं होगा, अगर आप ऑडियंस को वीडियो नहीं दिखाओगे तो आपके पास सब्सक्राइबर्स कैसे आएंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज, आपको जाके अप्रोच करना पड़ेगा शोरूम वाले को, आपको कोई भी कार का रिव्यू करना है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है एंड यू कैन कम्युनिकेट वेल विद द शोरूम मैनेजर एंड ऑल, आप लग्जरी कार्स में, कार के शोरूम में जाके आप उनके साथ, उनके पास अप्रोच कर सकते हो। सो द थिंग इज, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जाके अप्रोच करना है एंड द सेकेंड थिंग इज, यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट कार्स एंड द थर्ड थिंग इज, आपको आपका काम उनको दिखाना पड़ेगा शोरूम वालों को कि आप मतलब आपने रिव्यू किया उनको, आप मतलब आपने फर्स्ट टाइम उनका कार लिया, हाँ आपको वीडियो उनको शेयर करना पड़ेगा कि आपने कैसा काम किया। एंड ये प्रोसेस में आपके मतलब आप अगर अच्छी तरह से काम करोगे तो आपके सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली, अगर आपको उनको आपका रिव्यू पसंद आएगा तो लोग आपके चैनल में ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर्स ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो उसके बाद जाके शोरूम्स आपको अप्रोच करेंगे, शोरूम खुद आपको अप्रोच करेगा कि आप गाड़ी रिव्यू, हाँ आप हमारी कार रिव्यू कीजिए, आप ये रिव्यू कीजिए। सो दिस इज द प्रोसेस, आपको फर्स्ट थिंग है आपको जाके शोरूम में अप्रोच करना पड़ेगा, दैट्स इट। लाइक एवरी डे वी आर राइट नाउ गोइंग टू टाटा मोटर्स लेक्सस। उन्होंने हमने उनसे एक्चुअली शोमोदेव ने उनसे फोन में बात किया था, सो उन्होंने बुलाया हम लोगों को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे एंड जाके देखते हैं कि क्या सीन रहता है। 3 बजे तक का टाइमिंग है, अभी 2:01 हो रहा है, सो देखते हैं अभी रास्ते में ट्रैफिक है और पहुँच जाएंगे होपफुली। तो अभी जाके देखते हैं क्या सीन रहता है, उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ शोरूम में जाके। सो इट फील सो डिफरेंट क्योंकि मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ मैं खुद कार चलाता हूँ and today he is driving and I am sitting chilling. So right now we are near the showroom. अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे, बात करेंगे उनके साथ, अगर वो अलाउ करते हैं so we will try to review at least one car today and अगर नहीं होता तो we will come tomorrow. कल आके हम लोग ये काम खत्म कर देंगे। So guys, bad news, Tata Motors actually refused to give us their cars.
वो बोल रहे हैं जाके परमिशन लेके आओ, ये करो वो करो। कोई बात नहीं, अभी जाके दूसरी जगह देखते हैं जहाँ पे हम लोगों को कार मिल सकता है, एंड वहाँ पे अगर देखते हैं। और अगर वहाँ से अगर मिलता है तो विल गो टू, एक्चुअली आज रिव्यू करना है नहीं, आज एक्चुअली हम लोग अप्रूवल परमिशन ले निकले हैं। और अगर परमिशन कहीं पे भी मिलता है तो विल गो देयर टुमारो, तो लेट्स सी। दिस किया, तो अभी जाके बात करते हैं यहाँ पे। सो राइट नाउ वी आर एट किया पीछे वहाँ पे, अभी यहाँ पे जाके परमिशन लेते हैं, अगर परमिशन मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अभी वीडियो काफ़ी सारे हैं स्टॉक में, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट अप विल गो टू सम अदर डीलरशिप जहाँ पे हम लोगों को परमिशन मिल सकता है, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे पूछ लेते हैं, अगर यहाँ पे मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो अभी स्टॉक में जो भी वीडियोज़ है उससे काम चलाएंगे, एंड अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। सो लेट्स गो एंड चेकआउट कि अगर हम लोगों को परमिशन देते हैं कि नहीं। सो किया में जाके परमिशन लिया, किया बोल रहे कि एक नंबर दिया हम लोगों को, वहाँ पे हम लोगों को कॉल करने के लिए बोला, एंड अगर उन्होंने अलाउ किया तो यहाँ पे नंबर तो दिया, वो तो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सुन, टाटा ने तो वो भी नहीं दिया। हाँ टाटा ने तो वो भी नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, पर स्टॉक बहुत सही है। हाँ किया एज अ ब्यूटीफुल स्टॉक है, इनका स्टॉक दो फ्लोर है, कोई मतलब नहीं होता दो फ्लोर बनाना, बट इन लोगों ने स्टिल बहुत बड़ा शोरूम बनाया, दैट इज गुड, सेल भी तो है ना गाड़ी का। हाँ so this is what you have to do to become a car reviewer and car journalist, तो आपको first आपको जाके permission लेना पड़ता है, and अगर permission मिला तो सही है, permission नहीं मिला तो फिर ढूंढते रहो, दूसरे dealer के पास जाते रहो, ढूंढते रहो, जाना पड़ता है। हाँ और ऐसा नहीं है कि सब शोरूम वाले टाटा मोटर्स जैसे होते हैं, काफी शोरूम वाले अच्छे भी होते हैं, that day we last day we went to Hyundai, तो उन्होंने एक ही बार में परमिशन दे दिया कि आप अभी किसी से बात भी नहीं करना पड़ा। हाँ किसी से बात भी नहीं करना पड़ा, शोरूम में जो भी थे उन्होंने परमिशन दे, आगे थे तो उन्होंने परमिशन दे दिया। सो हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है आपके साथ, सो ट्राई करते रहो, ट्राई करते करते मिल जाता है। वी आर हियर, यहाँ पे आपको बहुत सारे शोरूम भी खुल जाएंगे, एंड द गुड थिंग इज यहाँ पे डिकैथलॉन खुल रहे हैं, रेनॉल्ट, लैंड रोवर, जगुआर, ह्युंडई, वॉल्वो, नीचे टाटा मोटर्स, इधर मारुति सुजुकी था पहले बट ये बंद हो गया। गाइस किया वाज काइंड एनफ, उन्होंने, मैंने उनके हेड को कॉल किया, उन्होंने अलाउ किया, एंड वो अभी बोल रहे कि आपने शोरूम में जिनसे बात किया था आप उनसे जाके एक बार बात कराओ, तो अभी राइट नाउ वी आर गोइंग बैक टू द शोरूम। गलती ये की कि हम लोग वहां से निकल नहीं रहे सामने से, गलती ये की कि हम लोग वहां से निकल गए, बीच रास्ते में याद आया कि उसको अभी फोन कर लेते, उनको अभी फोन कर लेते, तो अभी उनको कॉल करके उन्होंने बोला कि आप उनसे बात करते हो, वी आर गोइंग बैक टू द शोरूम, वहाँ पे जाके उनसे बात करते हैं, एंड होपफुली वो ग्रैंड कर देंगे परमिशन। सो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। चलो अभी जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सीन। सो राइट नाउ आई एम गोइंग बैक होम, इधर का काम हो गया, किया ने परमिशन दे दिया, विच इज अ गुड थिंग, तो हम लोग यहाँ पे कल आएंगे, कल यहाँ पे रेक्टी रॉक, कल हम लोग यहाँ पे आके हम लोग रिव्यू करेंगे जितने भी कार्स है यहाँ पे, एंड उससे पहले हम लोग घर जाके आज जो भी कार्स है, हाँ कार्स के बारे में जो भी है इनके पास, इसके बारे में थोड़ा R&D कर लेंगे, एंड खुद प्रिपेयर होके आएंगे कि हम लोगों को कौन कौन सा कार का रिव्यू करना है। तो राइट नाउ गोइंग बैक होम, दिस इज द स्टेशन, यहाँ से आके मेरे को आगे टिकट लेने का है। सो गाइज, डू यू नीड अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन टू बिकम अ कार जर्नलिस्ट? एब्सोल्युटली नॉट। डू यू नीड एनी डिग्री? एब्सोल्युटली नॉट। ऑल यू नीड इज गुड कम्युनिकेटिंग स्किल, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, आप जब किसी को अप्रोच करोगे तब आपका वो स्किल काम में आएगा, एंड आप मतलब लोगों को जब कार दिखाओगे तब आपका वो काम में आएगा, आपको कार दिखाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको काफ़ी सारे शोरूम्स ऐसे होते हैं जो आपको कार, मतलब आप शोरूम में रिव्यू कर रहे हो ठीक है, बट आपको चलाने के लिए वो मना कर देते हैं। सो द थिंग इज, आपको वहीं पे शोरूम में दिखाना है, एंड यू हैव टू शो इट टू योर ऑडियंस कि वाई यू आर द बेस्ट, एंड आपके चैनल में वो वापस आएंगे या नहीं, वो मतलब आपके कोई भी एक वीडियो पे डिपेंड करता है कि वो आपके चैनल पे आके वापस से वो वीडियो देखेंगे कि नहीं। सो द थिंग इज, आपको कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसको एकदम कड़क रखने का है, एंड द लास्ट थिंग इज, यू नीड अ गुड कैमरा सेटअप।
बाय कैमरा सेटअप आई डोंट मीन कि आपको 1-2 लाख का कैमरा खरीदना है फिर उसमें ये सब कुछ तामझाम करना है, ऐसा नहीं है। आप एक अच्छे फ़ोन में भी इन्वेस्ट करो, एंड बाय अच्छे फ़ोन आई डोंट मीन कि आप आईफोन खरीदो, आप घर वाले को ये बोलो आईफोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बिकॉज आपको कार रिव्यू करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट इन अ गुड फ़ोन जिसका कैमरा अच्छा हो, जिसके कैमरे में वाइड एंगल हो, क्योंकि वाइड एंगल काम में आता है। मतलब नॉर्मल कैमरा तो ऑब्वियसली अच्छा रहता है, बट वाइड एंगल काम में इसलिए आता है क्योंकि आप कार के जितने मतलब आप यूजुअली कार के सामने सामने ही रहते हो, तो जितना कैमरा वाइड होगा उतना लोगों को दिखेगा कार। एंड द लास्ट थिंग इज कैमरे का माइक अच्छा होना चाहिए, फ़ोन का माइक अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उसमें आपका ऑडियो रिकॉर्ड अच्छे से हो, एंड दैट्स अबाउट इट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर करिए उन भाइयों को या बहनों को, सिस्टर्स को, जिनको कार का बहुत शौक है एंड वो ऐसे सोचते रहते अंदर ही अंदर कि मतलब उनको भी कभी एक कार रिव्यू करने का मौका मिले, या उनको भी लाइफ में यही काम करना है, कार रिव्यू करना है, ये करना है। सो द थिंग इज आप उनको शेयर करो। आई होप मेरा वीडियो देखेंगे तो अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प मिलने वाला है। ऑब्वियसली आई एम नॉट हेयर टू गिव यू अ प्रॉपर गाइडेंस क्योंकि मैं अभी खुद उस स्टेज तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, तो अगर ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू ऑफ स्क्रैच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।